हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे फेडरल बैंक फेडबुक सेल्फी अकाउंट के बारे में, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी फेडरल बैंक फेडबुक सेल्फी अकाउंट को लेकर के कि इस पर वीडियो चाहिए। तो ये वीडियो इसी अकाउंट को लेकर के, सबसे पहले हम जो है जानेंगे इस अकाउंट के बारे में कि किस तरह का अकाउंट है, उसके बाद हम बात करेंगे इस अकाउंट के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में, और उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि इस अकाउंट को ओपन करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और लास्ट में हम जानेंगे इस अकाउंट के कुछ ज़रूरी फीस और चार्जेस के बारे में। तो चलिए एक एक करके हम सभी के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसी अकाउंट के बारे में। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि फेडबुक सेल्फी अकाउंट दो तरह के होते हैं। एक जो होता है फेडबुक सेल्फी अकाउंट जो कि नॉर्मल अकाउंट होता है, और दूसरा जो होता है फेडबुक सेल्फी लाइट अकाउंट। ये जो अकाउंट होता है ये EKYC अकाउंट होता है, या फिर आप कह सकते हैं आधार OTP बेस्ड अकाउंट होता है। हालांकि इसके बारे में ऑलरेडी मैं अपनी वीडियोस में कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन फिर भी अगर नहीं पता होगा तो इस वीडियो में भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं इन दोनों अकाउंट के डिफरेंस को, फिर बाद में आपको सब कुछ पता लग जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो जो फेडबुक सेल्फी अकाउंट है ये नॉर्मल अकाउंट है, इसको आप ओपन ऐसे ऑनलाइन तो करते हैं, जैसे कि अपनी सारी डिटेल्स आप ऑनलाइन फिल करते हैं, मतलब ऑनलाइन प्रोसीजर है, ऑनलाइन आप सब कुछ प्रोसेस करते हैं, अपनी सारी डिटेल्स इंटर करने के बाद सबमिट कर देते हैं। लेकिन इंस्टेंटली अकाउंट ओपन नहीं होता है, इंस्टेंटली अकाउंट एक्टिवेट नहीं होता है, आपको अकाउंट नंबर वगैरह कुछ नहीं मिलता है। इसके लिए आपको विजिट करना पड़ता है ब्रांच में, आपको सिर्फ हो सकता है एक रेफरेंस नंबर या फिर एप्लीकेशन नंबर दे दिया जाए, वही आपको लेकर के ब्रांच में विजिट करना होता है, और साथ में आप जो है अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी ले लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक किया जा सकता है, बल्कि चेक किया जाता है, और साथ में सिग्नेचर वगैरह अपडेट किया जाएगा। तो सिग्नेचर वगैरह के लिए भी आपको जो है फॉर्म वगैरह दिया जाएगा, तो वो भी आपको फिल करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप जो पूरी तैयारी के साथ ब्रांच विजिट करिएगा। वैसे जो सेल्फी अकाउंट होता है इसमें क्या होता है कि ऐसे सेल्फी लेते हैं, मतलब फ़ोटो इसमें चाहिए होता है आपका, तो ऐसे बाकायदा सेल्फी वेल्फी ले करके ये अकाउंट ओपन होता है। तो ये अकाउंट जैसे कि योनो डिजिटल सेविंग्स अकाउंट अगर किसी ने ओपन कर रखा होगा तो बिल्कुल समझ लीजिए वैसे ही अकाउंट है, कि आप सब कुछ ऑनलाइन तो करते हैं, सारा प्रोसीजर ऑनलाइन करते हैं, लेकिन लास्ट में आपको अकाउंट ओपन कराने के लिए या फिर कह लीजिए एक्टिवेट कराने के लिए ब्रांच जाना पड़ता है, तब जाकर आपको वहाँ से ब्रांच से अकाउंट नंबर वगैरह आपको दिया जाता है। बाद में ये बिल्कुल नॉर्मल अकाउंट की तरह से काम करने लग जाता है। लेकिन ये जो फेडबुक सेल्फी लाइट अकाउंट है, ये जो अकाउंट है ये EKYC अकाउंट है, या फिर कह सकते हैं आप आधार OTP बेस्ड अकाउंट है। इसमें क्या होता है कि जो आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड होता है, ज़रूरी है जब आप ये अकाउंट ओपन करा रहे होंगे तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपके आधार कार्ड से लिंक्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब आप अपना अकाउंट ओपन कर रहे होते हैं तो अपना आधार नंबर जब आप इंटर करते हैं तो आपके आधार नंबर से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उस पर OTP भेजा जाता है आधार वेरिफिकेशन के लिए। जब आपके आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होता है तो सारी डिटेल्स जो आपके आधार कार्ड की होती हैं वो बैंक फेच कर लेता है, उसके बाद आपका अकाउंट ओपन होता है। तो इसमें क्या होता है कि इंस्टेंटली अकाउंट ओपन हो जाता है। आपको पता होगा कि बहुत सारे आपने डिजिटल अकाउंट ओपन कर रखे होंगे, जैसे कोटक 811, एक्सिस SIP अकाउंट, तो बहुत सारे अकाउंट आपने ओपन कर रखे होंगे। तो इसमें जो है यही होता है कि OTP आता है, वो वेरीफाई आप करते हैं, उसके बाद आपका अकाउंट जो है इंस्टेंटली, जैसे आप अपनी सारी डिटेल्स जो है सबमिट कर देते हैं तो इंस्टेंटली आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, आपका अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ मिल जाता है। लेकिन इसमें लिमिटेशंस होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, लिमिटेशंस भी आपको बताऊंगा और रिस्ट्रिक्शंस क्या है वो भी बताऊंगा। तो यही जो इन दोनों अकाउंट के बीच में डिफरेंस है, तो आप मेरे ख्याल से डिफरेंस को अच्छे से समझ गए होंगे। हाँ, तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं फेडबुक सेल्फी लाइट अकाउंट के लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस के बारे में। तो इसमें आप जो मैक्सिमम बैलेंस रख सकते हैं इस अकाउंट में वो 1 लाख तक का, इससे ऊपर का नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। और इसी तरह से जो टोटल क्रेडिट साल भर में होने चाहिए वो 2 लाख के होने चाहिए, इससे ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। क्रेडिट क्या होता है ये भी आप जानते हैं, जो आपके अकाउंट में ऐसे पैसे आते हैं फिर आप उसको चाहे निकाल लें, लेकिन जो टोटल ऐसे क्रेडिट होते रहते हैं आपके अकाउंट में बैलेंस, उनको क्रेडिट कहा जाता है। तो वही समझिए कि अगर जो है 2 लाख से ऊपर साल भर में हो गए तो भी आपका अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है, ब्लॉक किया जा सकता है। तो इसलिए ट्रांजेक्शन्स का भी आपको ध्यान देना होता है इस अकाउंट पर। इसके अलावा दोस्तों ये जो EKYC अकाउंट होता है इसकी वैलिडिटी 1 साल की होती है, 1 साल के अंदर अगर आप ब्रांच विजिट करके फुल KYC नहीं कराते हैं तो ये अकाउंट आपका बंद कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो फेडबुक सेल्फी लाइट अकाउंट है इसमें आपको जो वैलिडिटी मिलती है वो 11 महीनों की होती है, आप अपना अकाउंट ओपन करने के 11 महीने के अंदर अंदर ही ब्रांच विजिट करके फुल KYC करा लीजिए, नहीं तो ये अकाउंट आपका बंद कर दिया जाएगा। और भी आप कुछ रिस्ट्रिक्शन सुन लीजिए, जैसे कि आप ब्रांच से ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं, जैसे कैश डिपॉजिट हो गया, फिर कैश विड्रॉल हो गया,
पैसे जमा करने या फिर निकालने हो, अगर आपका फेसबुक सेल्फी लाइट अकाउंट है तो आप नहीं कर सकते हैं जब तक आप उसको फुल केवाईसी में कन्वर्ट ना करा ले। फुल केवाईसी होने के बाद लाइट नहीं रह जाता है, फिर ये अकाउंट फेसबुक सेल्फी अकाउंट हो जाता है, नॉर्मल अकाउंट की तरह से हो जाता है। और आपको चेकबुक भी नहीं मिलेगा जब तक आप फुल केवाईसी ना करा लें। और फुल केवाईसी होते ही सारे रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस हटा दिए जाते हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा, देखिए अभी ब्रांच विजिट करना पड़ेगा क्योंकि अभी वीडियो केवाईसी फैसिलिटी तो मेरे ख्याल से नहीं आई है, और वीडियो केवाईसी फैसिलिटी अभी तक जहाँ तक मैंने चेक किया है इस अकाउंट के लिए तो नहीं आई है। अगर आई भी होगी तो वीडियो केवाईसी जल्दी सारे बैंक लेकर आएंगे, तो फेडरल बैंक भी लेकर आएगा। तो अगर वीडियो केवाईसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इस अकाउंट के लिए फेडरल बैंक तो बहुत अच्छा होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। तो अगर फेडबुक सेल्फी अकाउंट के बारे में बात करी जाए तो ये अकाउंट ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है, इसमें आपको कोई भी बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एवरेज मंथली बैलेंस कर लीजिए या फिर मंथली एवरेज बैलेंस कर लीजिए, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कोई नॉन मेंटेनेंस के चार्जेस भी आपसे नहीं लिए जाते हैं। और इस अकाउंट में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस या फिर लिमिटेशंस नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो अकाउंट होता है ये आप ब्रांच से एक्टिवेट कराते हैं, आपकी फुल केवाईसी हो जाती है ब्रांच जब आप विजिट करते हैं, तो इसलिए कोई भी लिमिटेशंस या फिर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। और इस अकाउंट में आपको पासबुक भी मिल जाएगा, आपको चेकबुक भी मिल जाएगी अगर आप चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो। लेकिन उसके लिए आपको बैलेंस मेंटेन करना होता है, यानी कि एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन होगा तभी आपको मिलेगा। कितना बैलेंस मेंटेन करना होगा आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और बाकी आपको डेबिट कार्ड भी दिया जाता है, जो डेबिट कार्ड होता है वो मास्टर क्लासिक क्राउन डेबिट कार्ड होता है, ऐसे ही कुछ नाम है। और बात करें फेडबुक सेल्फी लाइट अकाउंट के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में, तो ये फुल्ली डिजिटल अकाउंट है, इसमें आपको ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप घर बैठे ही ऑनलाइन अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं, आपको अकाउंट नंबर मिल जाता है, आपका अकाउंट तुरंत ही एक्टिवेट भी हो जाता है। बट इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं और कुछ लिमिटेशंस हैं, आपको पता ही है। और ये भी पूरी तरह से ज़ीरो बैलेंस अकाउंट होता है, इसमें भी आपको कोई मंथली एवरेज बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और दोस्तों बात कर लेते हैं इस अकाउंट को ओपन करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इस अकाउंट को ओपन करने के लिए जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 18 ईयर यानी कि 18 साल या फिर 18 साल से ऊपर, और इंडियन रेसिडेंट होना भी ज़रूरी है। आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना भी ज़रूरी है। अगर आप फेडबुक सेल्फी लाइट अकाउंट ओपन कर रहे हैं यानी कि ई केवाईसी अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो उसमें जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपके आधार कार्ड से लिंक्ड होना चाहिए, तभी ये अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसी अकाउंट के फीस और चार्जेस के बारे में। तो क्योंकि ये अकाउंट पूरी तरह से ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है, इसलिए इस अकाउंट में आपको एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, और नन मेंटेनेंस का आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। हालांकि फेडबुक सेल्फी लाइट अकाउंट में ब्रांच ट्रांजेक्शन अलाउड नहीं है, लेकिन अगर आप इस अकाउंट को फुल केवाईसी में कन्वर्ट करा लेते हैं तो ये लाइट अकाउंट नहीं रह जाता है, ये फेडबुक सेल्फी अकाउंट हो जाता है जो नॉर्मल अकाउंट की तरह से होता है। तो इसके बाद से आप ब्रांच ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और ब्रांच ट्रांजेक्शन में बहुत सारे ट्रांजेक्शन आते हैं, जैसे कैश डिपॉजिट करना हो गया, फिर विड्रॉल करना हो गया, या फिर फंड ट्रांसफ़र हो गया, या फिर कोई भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन हो गया, कोई सा भी ट्रांजेक्शन हो जो आप ब्रांच से करते हैं तो वो आप कर सकते हैं फुल केवाईसी के बाद से। लेकिन जब तक आपने फुल केवाईसी नहीं कराया है तब तक आप जो है ब्रांच ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं, अगर आपके पास फेडबुक सेल्फी लाइट अकाउंट है तो। मतलब कि ये जो फेडबुक सेल्फी लाइट अकाउंट होता है ये लाइट तब तक रहता है जब तक आप फुल केवाईसी नहीं कराते हैं, फुल केवाईसी करा लेते हैं तो फिर लाइट अकाउंट नहीं रह जाता ये। तो बहरहाल जो फेडबुक सेल्फी अकाउंट होता है उसमें तो आपको ब्रांच ट्रांजेक्शन की इजाज़त होती है, और इसी तरह से जो फेडबुक सेल्फी लाइट अकाउंट होता है जब आप उस अकाउंट की फुल केवाईसी करा लेते हैं तो आप जो है ब्रांच ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो जो आपको फ्री ब्रांच ट्रांजेक्शन की लिमिट मिलती है वो महीने में 3 बार की होती है, अगर आप ये लिमिट क्रॉस कर देते हैं तो आपको 25 रुपये पर ट्रांजेक्शन के चार्जेस पड़ेंगे, चाहे कोई सा भी ट्रांजेक्शन हो, जैसे कैश ट्रांजेक्शन हो गया कि आप कैश डिपॉजिट कर रहे हों या फिर विड्रॉल कर रहे हों, या फिर क्लियरिंग का ट्रांजेक्शन हो गया, या फिर फंड ट्रांसफ़र का ट्रांजेक्शन हो गया, या फिर चेक कलेक्शन हो गया, तो ये सारे ट्रांजेक्शन्स ब्रांच ट्रांजेक्शन्स कहलाते हैं, इन सभी को शामिल किया जाता है ब्रांच ट्रांजेक्शन में। बहरहाल दोस्तों आप बात कर लेते हैं डेबिट कार्ड के बारे में। तो जो डेबिट कार्ड आपको इशू किया जा सकता है फेडबुक सेल्फी लाइट अकाउंट में वो हो सकता है रुपे क्लासिक डेबिट कार्ड, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि मैंने अपने एक दोस्त से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने ये अकाउंट ओपन किया था तो मुझे रुपे क्लासिक डेबिट कार्ड इशू किया गया जिसका जो एनुअल चार्ज है वो 150 रुपये प्लस GST है। हालांकि आप इस डेबिट कार्ड को बदल कर मास्टर क्लासिक क्राउन डेबिट कार्ड ले सकते हैं जैसा कि इन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है। और जहां तक मुझे लगता है फेडबुक सेल्फी अकाउंट जो होता है, जो नॉर्मल अकाउंट होता है जो आप ब्रांच विजिट करके एक्टिवेट कराते हैं, उस अकाउंट पे मुझे लगता है कि आपको यही वाला डेबिट कार्ड दिया जाता है, मास्टर क्लासिक क्राउन डेबिट कार्ड। और इसका जो चार्ज होता है इसमें आपको सिर्फ एनुअल चार्ज ही पड़ता है, इश्योरेंस फी कुछ भी नहीं होती है, लेकिन एनुअल जो चार्ज होता है वो 300 रुपये प्लस GST है, और फर्स्ट ईयर से ही आपको लगने लग जाएगा ये एनुअल चार्ज। बाकी आपको ऑनलाइन NEFT और RTGS फ्री मिलता है, जैसे नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग से
अगर आप NEFT के ज़रिए से फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं या फिर RTGS से फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं तो उस पर आपको चार्ज नहीं देना होगा, लेकिन अगर आप ब्रांच से करते हैं तो उस पर आपको चार्ज पड़ेगा। ईमेल अलर्ट्स फ्री हैं और ईमेल पे जो स्टेटमेंट आता है वो भी फ्री है। और मोबाइल अलर्ट्स के लिए जो आपको चार्ज देना होगा वो पर SMS का 50 पैसे का चार्ज आपको देना होगा। और अगर आप ब्रांच से RTGS करते हैं तो आपको 20 रुपये से लेकर के 45 रुपये तक का चार्ज पड़ सकता है। वो अलग अलग अमाउंट पर अलग अलग चार्ज होता है, तो कितने अमाउंट पर कितना चार्ज है वो आप देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर। और अगर आप NEFT ब्रांच से करते हैं तो आपको 2 रुपये से लेकर के 20 रुपये तक का चार्ज पड़ सकता है। कितने कितने अमाउंट पे कितना चार्ज है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और IMPS के जो चार्जेस हैं, चाहे आप ऑनलाइन करते हैं या फिर ऑफलाइन करते हैं, ब्रांच से करें या फिर नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग से करें, चार्जेस हर जगह हैं। 5 रुपये से लेकर के 10 रुपये तक का आपको चार्ज पड़ सकता है। कैसे कैसे चार्ज पड़ेगा वो आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं चेकबुक के बारे में। तो चेकबुक आपको रिक्वेस्ट पे दिया जाएगा और किस अकाउंट पे मिलेगा ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो फेडबुक सेल्फी अकाउंट पे आपको चेकबुक इशू किया जाता है और जो फेडबुक सेल्फी लाइट अकाउंट होता है उस पर आपको नहीं मिलता है जब तक आप फुल KYC में उसको कन्वर्ट ना करा ले। फुल KYC में आप जैसे कन्वर्ट करा लेते हैं वो लाइट अकाउंट से फिर जो फेडबुक सेल्फी अकाउंट नॉर्मल अकाउंट की तरह से हो जाता है, तो उस पर भी फिर चेकबुक आप इशू करा सकते हैं। रिक्वेस्ट पे आपको मिलता है। देखिए फेडबुक सेल्फी जो अकाउंट होता है अकाउंट ओपनिंग के 1 महीने के बाद आप जो रिक्वेस्ट कर सकते हैं चेकबुक के लिए, तब आपको मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको अपने अकाउंट में 5000 एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना होगा, तभी आप चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपको चेकबुक तभी मिलेगा। और जो चेकबुक के लिए चार्ज लिया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा है, पर लीफ का 5 रुपये चार्ज आपसे लिया जाएगा, तो मतलब बहुत ज़्यादा चार्ज ले रहा है ये बैंक। और लास्ट में आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो जितने फीस और चार्जेस हैं इन सब फीस और चार्जेस पे GST अलग से जोड़ा जाता है, जो कि अभी 18% GST चल रहा है। इसके अलावा एक बात का और आपको ध्यान देना है कि ये जो जितने फीस और चार्जेस होते हैं ये टाइमली बदलते भी रहते हैं, तो ये भी आप समझ लीजिएगा। क्योंकि जब आप बैंक की वेबसाइट पे विज़िट करेंगे तो वहाँ पे साफ साफ आपको लिखा मिलेगा कि ये जो फीस और चार्जेस फला डेट को चेंज किए गए हैं, रिवाइज़ किए गए हैं। तो दोस्तों यही था फेडरल बैंक का फेडबुक सेल्फी अकाउंट। मुझे तो ये अकाउंट ऐसा कुछ खास नहीं लगा है। अब बस मैं आप लोगों का ओपिनियन जानना चाहता हूँ, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं अपना ओपिनियन। बस ये अकाउंट ठीक ठाक है, आप चाहे तो ओपन करा सकते हैं या फिर आपके पास दूसरे भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।